नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ गया हूँ इस वीडियो में कि जो आपका NMMS का एग्ज़ाम दिया था आपने, उसका जो रिज़ल्ट है कक्षा आठवीं का, वो जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना NMMS का रिज़ल्ट चेक करना है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। दोस्तों, किन किन स्टेट्स का NMMS का रिज़ल्ट आया है सब कुछ बताने वाला हूँ, और पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको NMMS का रिज़ल्ट चेक करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको 1000 लाइक करना है, यानी कि 1000 लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए। देखिए, जो भी व्यूअर देख रहा है, इस वीडियो को जल्दी लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका किसी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जाइए डाउनलोड के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए, क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। डाउनलोड की ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से क्लास 12 तक JEE मेंस की तैयारी हमसे कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड करें। तो अपना रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना गूगल यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अपने सर्च बार दिख रहा है, ये वाला सर्च बार में आपको टाइप करना है। टाइप क्या करना है, जो बोल रहा हूँ वही टाइप करना है, ठीक है। आपको टाइप करना है BRD स्टडी, ठीक है, ये टाइप करना है। डॉट ऑनलाइन भी आप टाइप कर सकते हैं, तो इतना सा आप टाइप कर लीजिए BRD स्टडी.online, ठीक है। डॉट ऑनलाइन भी आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको BRD स्टडी.online लगा देना है, और लगाने के बाद ध्यान से देख ले दोस्तों कौन सा ये जो नेम है, ये आपको सर्च करना है, या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में, दोनों में ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, देखिए सर्च करने के बाद ये जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन होके आगे, देखिए BRD स्टडी, सबसे पहले सटीक कवर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है, नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए NMMS 2019-20 रिजल्ट डिक्लेयर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों NMMS का ये देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, इस टाइटल पर क्लिक कीजिएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ओपन होके आ जाएगी, या फिर इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, 1000 लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब देखिए जो NMMS का रिजल्ट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा देख रहा है NMMS के बारे में, जो यहाँ पे कहाँ पढ़ सकते हैं पहले, और ये देखिए दोस्तों लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है कि जो NMMS का रिजल्ट है वो महाराष्ट्र स्टेट का हुआ है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट्स का आपका रिजल्ट आया है। फिर आपको देखिएगा NMMS महाराष्ट्र रिजल्ट, तो ये देखिएगा चेक रिजल्ट, ठीक है, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो देखिए ये लिंक आ रहा है, चेक रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो चेक रिजल्ट पे क्या कैसे क्लिक करना है, तो देखिएगा इस पर टैप करना है आपको, चेक रिजल्ट, और यहाँ पे नीचे आप सारे जो कट ऑफ जो क्राइटेरिया है पूरा देख सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है चेक रिजल्ट, तो इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो लिंक पे क्लिक करने के बाद जो महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है, जो NMMS की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे देखिएगा ये देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे लिखा आएगा देखिए एंटर करेक्ट सीट नंबर, और यहाँ पे देखिएगा एंटर कैंडिडेट सीट नंबर, यहाँ पे जो आपको 13 डिजिट में डालना है, या फिर आप अपने स्कूल का जो UDIS जो कोड होता है उसको आप डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी हो डाल सकते हैं, जैसे कि एंटर सीट नंबर आप कोई भी हो वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर का नंबर नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। और एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सो रिज़ल्ट, इस पर क्लिक करना है, तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों मैंने बता दिया किस प्रकार से चेक करना है, और रिज़ल्ट चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो रिज़ल्ट देखना है कि अभी भी ओनली महाराष्ट्र स्टेट का ही रिज़ल्ट आया है। और दोस्तों, बाकी जो स्टेट्स का रिज़ल्ट आते ही मैं आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, सब कुछ बता दिए कब आएगा रिज़ल्ट, बाकी जो अदर स्टेट का है और जिसका आया है उनका रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।